वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सुगबुगाहट अब तेज हो रही है। जहां एक तरफ कुछ लोग यूपी चुनाव में जीत के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अराजक तत्व चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, कभी बम धमाकों की बात करते हैं तो कभी किसी आतंकी साजिश का खुलासा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते कुछ दिनों में कई बार उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख देने वाले धमकी भरे पत्र लिखे जा रहे हैं। कभी मंदिरों को तो कभी रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस बीच एक मामला सामने आया है जहां देवबंद से एक और धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस पत्र में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पत्र में जो लिखा था उसने पुलिस कर्मियों को भी रातों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। देवबंद से भेजे गए धमकी भरे पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मार डालने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इसमें खास बात तो यह है कि लिफाफे पर भेजने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। यह पत्र डाक के जरिए भेजा गया है और देवबंद से भेजा गया है, जिसमें गौ रक्षा को बंद करने की धमकी तक दी गई है। और ऐसे में धमकी देने वाले व्यक्ति ने पत्र में अपना नाम मोहम्मद अजमल बताया है। पत्र में भेजने वाले व्यक्ति का दिया गया नंबर हालांकि सहारनपुर के मोहम्मद मदरी का है। हालांकि जो नंबर इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, लेकिन जैसे ही जिस व्यक्ति को पता चला कि उसका नंबर एक पत्र के अंदर इस्तेमाल किया गया और वो भी पत्र धमकी भरा पत्र था और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है, तो उनके खेमे में उनके परिवार में भी हड़कंप मच गया और वो भी सकते में आ गए। आप इस पत्र को देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अब तू अपनी जान बचा ले, मेरा नाम मोहम्मद अजमल है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पत्र में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पास तो सुरक्षा रहती है वरना उन्हें भी उड़ा दिया जाता। पत्र में साथ में यह भी लिखा गया है कि पत्र भेजने वाले ने गौशाला को सर्वे बंद करने की बात भी लिखी है। आरोपियों ने, आपको बता दें कि आरोपी ने रंजीत बच्चन और साथ ही कमलेश तिवारी हत्याकांड का भी जिक्र किया और लिखा कि इन दोनों को भी इसी तरह से तुम्हारी भी हत्या की जाएगी। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को धमकी भरा पत्र जैसे ही मिला तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच। आज दोपहर में भ्रमण के बाद में जब मैं ऑफिस आया तो मुझे एक चिट्ठी प्राप्त हुई जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। भेजने वाले हैं मोहम्मद अजमल 465 का देवबंद बरेली। इनका टेलीफोन नंबर है 915-4-0320। इन्होंने जान से मारने की धमकी दी और गौ सेवा को लेकर उन्होंने कहा कि अगर गायों पे काम करोगे तस्करी पे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल ये पूरा मामला लखनऊ कमिश्नरेट ने थाना आलमबाग में मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र भेजा गया था और देवेंद्र तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने आलमबाग कोतवाली में FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। पत्र में देवेंद्र तिवारी को संबोधित कर लिखा गया कि तुमने गौशाला और गौरक्षा के नाम पर हम लोगों को परेशान कर रखा है। इसका मतलब यह है कि जो लगातार गौरक्षा के नाम पर जो लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं आक्रोशित इनमें नजर आ रहा है और उसी का नतीजा है कि इन्होंने पत्र लिखकर इस तरह की धमकी दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और पत्र में ये भी लिखा गया है कि अगर नहीं सुधरे तो ऐसा हश्र करेंगे कि किसी को पहचान में भी नहीं आओगे। लेकिन अब देखना होगा कि ऐसे धमकियों से क्या योगी सरकार और किसान नेता डरते हैं या फिर डट कर उनका सामना करते हैं, क्योंकि ऐसे गीदड़ भपकी देने वाले तो हर रोज सामने आते हैं लेकिन करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और हमारे सूबे के यानी कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी की धमकी से तो क्या किसी के एक्शन से भी डरने वालों में से नहीं है। वो हर अपराधी का ऐसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और अपराध को खत्म करके रहेंगे। अब इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।